पहले मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपके घर पे जो भी आपके परिवार वाले हैं और आप सभी इन कोरोना वायरस की सिचुएशन में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। तो दोस्तों, आज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू है कुतरम 23 मूवी का, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है खतरनाक पुलिस वाला के नाम से। इस मूवी को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो। तो मूवी में मुख्य किरदार में हमें दिखाई देंगे अरुण विजय और महिमा नाम्बियार। जहाँ पर अरुण विजय एक आईपीएस के किरदार में हमें इस मूवी में दिखाई देंगे, वही महिमा नाम्बियार का भी एक अहम रोल है इस मूवी में। तो यहाँ पर मूवी की शुरुआत जो होती है वो होती है एक चर्च से, जहाँ पर एक फादर है और एक लड़की है जिनका मर्डर हुआ रहता है। अब महिमा नाम्बियार जो है वो इस चीज़ की आई विटनेस है, जो कि पुलिस को ध्यान में आ जाती है। अब पुलिस के किरदार में हमें यहाँ पर अरुण विजय दिखाई दे रहे हैं, तो वो इस चीज़ को, सभी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब उस जो लड़की की लाश है जिसका चर्च में मर्डर हुआ है, उसकी लाश मिल जाती है एक कचरे के ढेरे में। बहुत बड़ा जो कचरा का डिपो होता है वहाँ पर उसकी लाश मिल जाती है। अब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करते करते महिमा नाम्बियार और अरुण विजय के बीच में एक लव स्टोरी डेवलप हो जाती है, और उसी को बचाने के लिए, क्योंकि वो आई विटनेस है, तो काफ़ी सारे गुंडे जो है वो महिमा नाम्बियार के पीछे पड़ जाते हैं। उन पर अटैक भी होता है, जहाँ पर तो अरुण विजय उनको सेव कर लेते हैं, बट वो गुंडे पहुँच जाते हैं उनके घर तक, महिमा नाम्बियार के घर तक। अब जब कॉल किया जाता है अरुण विजय को, तो वो वहाँ पर आते हैं, बट गुंडे महिमा नाम्बियार के घर पर ना जाते हुए कहीं अलग ही तरह चले गए हैं। अब फैमिली लाइफ के बारे में अगर पता करें, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि अरुण विजय जो है उनके घर में उनकी भाभी है, भैया है और उनकी माँ है। जबकि उनकी जो माँ है वो उनकी भाभी को, अरुण विजय की भाभी को, काफ़ी ज़्यादा टॉन्टिंग करती रहती है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रताड़ित करती रहती है, क्योंकि उनको बच्चा नहीं होता है। काफ़ी सालों बाद अच्छी एक न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि उनकी जो भाभी है अभी वो प्रेग्नेंट है। तो इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद उनकी भाभी बीच में ही सुसाइड कर लेती है। इसी तरह से एक और एक बड़े नेता है जिनकी बहू का एक समारोह किया गया है, क्योंकि 7वां महीने का जो प्रोग्राम है वो वहाँ पर रखा जाता है। बट उसी प्रोग्राम के दौरान उनकी जो बहू है, जो बड़े नेता है, पॉलिटिकल नेता, उनकी जो बहू है वो भी सुसाइड कर लेती है। अब इन्होंने सुसाइड क्यों किया, इनकी जो भाभी है उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि बात तो खुशी की थी। इन्हीं सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना है अरुण विजय को। अरुण विजय इस मूवी में आईपीएस के रोल में हमें दिखाई दिए हैं। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन करते करते काफ़ी सारे क्लूज मिलते जाते हैं, पर जहाँ भी एक क्लू के लिए वो पहुँचते हैं वो बंदा ही सुसाइड कर लेता है। अब इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या एक बड़ी सी मिस्ट्री है, यही सब मिस्ट्री दिखा दी दिखाते ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर बन जाता है और हमें सीट पर बिठाए रखता है। यहाँ पर आप सीट पर तो नहीं बैठेंगे, बट अपने घर में बैठ के इस मूवी को ज़रूर एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि लॉकडाउन के पीरियड में इस मूवी को आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर रिव्यू यहाँ तक पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर इस मूवी की अच्छी बात की जाए तो अरुण विजय की एक्टिंग और बाकी के जो सपोर्टिंग परफॉर्मेंस है उनकी भी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस मूवी का मुझे अच्छा लगा। हालांकि जो डबिंग इस मूवी में की गई है वो उतनी ज़्यादा लेवल पर खरी नहीं उतरी, बट ठीक है, ओके है। मूवी में कुछ सॉन्ग्स नहीं है, जो कि एक बेनिफिट ही है, बिकॉज सॉन्ग्स ऐड ना करते हुए भी ये मूवी 2.5 घंटे की बन ही जाती है। मूवी कुछ जगह, एकदम ही कुछ जगह पर बोर होती है, बट ओवरऑल ये एक अच्छी मूवी है, अच्छी सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है। मूवी का सबसे बड़ा बिग पॉइंट मैं कहना चाहूँगा वो है इस मूवी का मैसेज। जो भी मैसेज ये मूवी कन्वे करने जा रही है उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। COVID-19 का जो सिनारियो चल रहा है, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमने भगवान को देखा है। जी हाँ, डॉक्टर जो हमारे आसपास है, जो भी पुलिसकर्मी हमारे आसपास है, यही तो हमारे भगवान है, जो कि आज हमारे सामने भगवान के रूप में आ रहे हैं। तो डॉक्टर्स के ऊपर ही इस मूवी में एक अलग सा ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है, एक अलग सा पहलू इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इस मूवी को आप मिस इसीलिए मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इशू हैं जिसको ये मूवी उठाती है एक सस्पेंस और थ्रिलर के साथ में। तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड अगर आपको घर में ही करना है और लॉकडाउन का जो है वो बोर नहीं होने देना है आपका दिन, तो इस मूवी को आप 1 टाइम डेफिनेटली देख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।